दूसरे से लिंक्ड है, और सारे का सारे चूंकि हम लोग एक मोबाइल सिस्टम से भी लिंक्ड है, तो आपस में कई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा इस पे काम हुआ है ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम में, और मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से और पूरे विभाग की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा दो व्यक्तियों का जो मेरे दाहिने साइड बैठे हैं। पहले आनंद शर्मा जी, डायरेक्टर पंचायती राज का, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और सहरसा जिले में इन्होंने सर्वप्रथम ई ऑफिस करके पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को कर दिया था। तो हाईलाइट उन्हीं को है। मैंने जब ये मेरे विभाग में है तो मैंने कहा कि भाई आपने डीएम सहरसा के रूप में कर दिया है तो मेरे पूरे राज्य का कर दीजिए, तो इन्होंने कहा कि हाँ सर हो जाएगा। तो 3-4 महीने से काम चल रहा था और हम लोगों ने इसमें किया। और दूसरा आईटी विभाग का, तो आईटी विभाग में सर्वप्रथम संतोष मल जी थे, उनके जो प्रधान सचिव नगर विकास अभी हैं, और उसके बाद अभय कुमार सिंह जी स्पेशल सेक्रेटरी आईटी यहाँ पर उपलब्ध है विभाग के प्रतिनिधि के रूप में। आप सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, थोड़ा डिफिकल्ट काम है और आपके बिना नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि लोगों तक ये तुरंत मदद आने लगेगी और तुरंत सारी चीज़ों में सुविधा होंगी। थोड़े मोड़े ज़िलों को प्रॉब्लम्स अभी होंगे, उदाहरण के तौर पे स्कैनिंग वगैरह कुछ करानी होगी लार्ज स्केल पे, तो वो काम आप लोग पूरा करा देंगे। आज जो दूसरा चीज़ शुरू हो रहा है वो ई पंचायत का HRMS पोर्टल है। बहुत जगहों पर शिकायत रहती है कि अटेंडेंस ठीक से नहीं हो रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ठीक नहीं हो रही है, ये सब प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए हम लोग इसका लीव का मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले इसमें लागू करेंगे, और साथ साथ में इनका छुट्टी जैसे EL और CL और अन्य छुट्टियां हैं उसके संबंध में है, बाद में धीरे धीरे सारा का सारा रिकॉर्ड HRMS कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए लागू हो जाएगा। एक्चुअली वास्तविक में जो परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए है वो अभी जो HRMS सिस्टम है वो बना दिया गया है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से, और 1 जनवरी से वो लागू भी हो गया है। तो उसी आधार पे हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम नया डेवलप किए हैं और इसमें भी एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो दो चीज़ों हैं और इसमें एक मतलब संस्थान को मैं भूल गया धन्यवाद करने, तो दो व्यक्तियों को और एक संस्था है वो है NIC। तो NIC को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि NIC ने काफ़ी अच्छा काम किया है और NIC की मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं और बहुत सारे अन्य भी कार्य करा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ई पंचायत सिस्टम जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले उद्घाटन किया था अक्टूबर के महीने में, और मतलब शुरुआत की थी, उद्घाटन शुरुआत की थी, और उसके बाद वो सारी योजनाओं को आप ई ग्राम पंचायत के माध्यम से जैसे देख सकते हैं सारी योजनाओं को कर रहे हैं, और उस पर पेमेंट सिस्टम भी सब लागू हो गया है। तो आज का दिन हम लोगों के विभाग के लिए जो जमीनी स्तर तक अंतिम स्तर तक है वहाँ तक सबको कंप्यूटर के माध्यम से सबकी मॉनिटरिंग, सबकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, सबकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ और मिलजुल के कई विभागों के सौजन्य से यह काम हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि माननीय मंत्री जी को जैसे ही हमने ये सब शुरुआत में हम लोगों ने बात की तो मंत्री जी ने कहा कि करिए